शिवसेना द्वारा शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की 95वीं जयंती के अवसर पर सिविल लाइन अंबेडकर पार्क में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर लोगों को मिठाई का वितरण किया, जिसके पश्चात शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग उठाते हुए नारे लगाए और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पूरी दुनिया में बाला साहब ठाकरे पहले ऐसे नेता थे जो जीवन प्रदान तक हिंदुओं की अस्मिता व रक्षार्थ हेतु लड़ते रहे। यदि पूरी दुनिया में हिंदू कहीं सताया जाता था तो वह हिंदू हिंदुस्तान में बाला साहब ठाकरे की तरफ आशा भरी नजरों से देखता था। आज पूरे देश में युवाओं व नागरिकों को उनके विचार आत्मसात करने की आवश्यकता है। अतः शिवसेना ज्ञापन के माध्यम से पुनः मांग करती है कि बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में राम अवतार सिंह, टीटू कश्यप, मंजू राठौर, जमुना देवी, विवेक प्रजापति, विनोद कुमार, ओम प्रकाश सैनी, राधेश्याम सैनी, विजय सिंह चौहान, राजबाला आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपको? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। तुरहा जी, किस संबंध में क्या प्रोग्राम किया गया आज? शिव सैनिकों ने अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन में हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना संस्थापक श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी की 95वीं जयंती धूमधाम से मनाई है। कंबल वितरण किए हैं, मिठाई वितरित की है। तत्पश्चात अब शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन में हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना संस्थापक श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। ज्ञात हो कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना संस्थापक श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी पूरी दुनिया में पहले ऐसे नेता थे जो जीवन पर्यंत तक हिंदू अस्मिता एवं हिंदुओं की रक्षार्थ हेतु लड़ते रहे। आज देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को उनके विचार आत्मसात करने की ज़रूरत है। उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।